शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सोचा था दोनों के दोनों हार हमारे हो जाएंगे, लेकिन इस उर्वशी ने ना सब गड़बड़ कर दिया। ड्रामा शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। हमें लग रहा है हार के गायब होने के पीछे पक्का श्रेय भाभी का हाथ है। इनसे सवाल जवाब तो करना पड़ेगा। भाभी रुकिए, क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? इतनी घबराई हुई हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? टेबल पर से भी यूं अचानक से उठ के आ गई, सब ठीक तो है? हाँ, वो ना हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हमने सोचा थोड़ा रूम में जाके रेस्ट कर लें। आपका कमरा तो ऊपर है, आप स्टोर रूम की तरफ क्यों जा रही है? वो देखो ना, इतना सर दर्द हो रहा है कि हम भूल ही गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओ हाँ, याद आया, हमारा हेड मसाजर खराब हो गया ना, इसलिए स्टोर रूम में जाकर दूसरा ले रहे थे। ये आप हाथ में क्या छुपा रही हैं? हाँ नहीं, क्या है हमारे हाथ में? देखो, कुछ भी तो नहीं है हमारे हाथ में। नहीं आपके, हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं है हमारे हाथ में। और वैसे भी तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? देखो क्या है हमारे हाथ में, कुछ भी तो नहीं है। कहाँ था हमने? कपड़ों के अंदर कुछ भी छुपाया जा सकता है। वो नेकलेस इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि गहना ने वो नेकलेस अपने कपड़ों में कहीं छुपा कर रखा हुआ है। आप अभी सबके सामने इसकी तलाशी लीजिए। ओके मैम। बस मैम सर, हमने कहा आपसे, हमने कोई चोरी नहीं की है। आप हमारी ईमानदारी और खुददारी के साथ साथ हमारे चरित्र और वजूद पर भी हमला कर रही हैं। आप खुद एक औरत है और आपको भी पता है कि एक औरत की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। उर्वशी, गैना बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने गैना के कमरे की तलाशी ली, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस तरह हार वालों के हाथों से गैना के कपड़ों की तलाशी लेना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है बाबा, ये लोग गहना को नहीं चेक करेंगे, मैं खुद गहना को चेक करूंगी। अब तो ठीक है ना गहना, अब तो तुम्हारी इज्जत को ठेस नहीं पहुंच रही ना। ये तुम क्या कर रही हो उर्वशी? माँ मैं खुद इसे चेक कर रही हूँ और कुछ नहीं। बहुत शो ऑफ कर रही थी ना वो अवार्ड जीत के, लेकिन अब सबके सामने तुम्हारी औकात दिखाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि तुम अवार्ड विनिंग ड्रेस डिजाइनर कहलाने लायक तो हो नहीं, तुम तो ये कहलाने लायक हो कि वो देखो चोर नौकरानी जा रही है, गहना चोर नौकरानी। और ऑनेस्टली मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस घर में तुम डरी सहमी रहो और हर वक्त यही सोचो कि कब कौन तुम्हें जेल भिजवा दे। हम डरते नहीं मैम साहब, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। डरते वो लोग हैं जो गलत करते हैं।
थोड़े और समय की दूरी है, ये दूरी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम यहाँ रहोगे ना तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। बस सब कुछ शांत हो जाए, सारा माहौल ठंडा हो जाए, उसके बाद हम तुम्हें आकर फिर से यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है? उर्वशी मैडम, असली चोर मिल गया है। चोर कोई और नहीं है, चोर श्रेया भाभी है। ये हाथ इन्हीं के पास में मिला। बड़ी मेम साहब, ये आपकी अमानत। ये तो हमारा हार है। श्रेया, ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने हमारे कमरे से ये हार उठाया? अम्मी जी, हम ये सब क्यों करेंगे आपके साथ? ये ना गलत बोल रहे हैं, हमें बस आना चाह रहे हैं। मम्मी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा सिर दुख रहा था मम्मी जी, इतना सब कुछ चल रहा है। और ना हम स्टोर रूम में गए थे वो हेड मसाजर ढूंढने के लिए, हम जैसे गए ना हमें ये हार दिखा, और जैसे हमने इस हार को देखा ना तो हम समझ गए आपका ही हार है। हमने सोचा कि ये हार हम आपको दे देते हैं, और हम ये हार उठाकर आपके पास आ ही रहे थे ना, उतने में इन्होंने हमें देख लिया और ये सोचने लगे कि हमने इस हार को चोरी किया है। लेकिन मम्मी जी, हम ऐसे हार क्यों चोरी करेंगे? हम तो आपकी बहू है ना। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि गहना ने अपने रूम से वो हार निकाल के जाके स्टोर रूम में रख दिया ताकि किसी को शक ना हो उस पर। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस उर्वशी, बहुत हो गया तमाशा, अब ना तो कोई कुछ कहेगा ना ही कोई कुछ करेगा, खास करके तुम। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं, जो कुछ भी तुम्हें करना था तुम सब कर चुकी हो। हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन कितने पानी में है। हार मिलना था मिल गया, अब हमें ये नहीं जानना है कि ये हार किसने चुराया था और ये हार कहां से कहां पहुंचा। हार मिल गया ये हमारे लिए बहुत है। आप दोनों जा सकती हैं, आपकी पेमेंट भिजवा दी जाएगी। उर्वशी। पापा। नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनो बेटा, तुम बहुत गलत दिशा में जा रही हो। अपनी सोच को बदलो, अपने काम पर और अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान दो, अपनी बिखरी हुई जिंदगी को ठीक करो। किसी पर इल्जाम लगाना, किसी पर शक करना, ऐसे तमाशा खड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है। और हर बार एक इंसान गलत नहीं हो सकता। अपने सोचने समझने का नजरिया बदलो, लोगों की इज्जत करना सीखो। और सब लोग सुन लो, इस हार के बारे में हम और कुछ नहीं सुनेंगे, समझ गए सब? सुनिए। हाँ? इधर आइए ना। आज फिर से अपने हाथों से ये हार हमें पहना दीजिए, जैसे उर्वशी के जन्मदिन पर पहनाया था। हाँ। ये हम तुम्हारी स्वर्गीय माँ को देना चाहते थे, इसे अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रख लो। वो सोनार भी ना कुछ भी भूले जा रहा था। दो हार बनवाए थे, एक ही हार था वो हमें मिल गया। मैंने ये भी कहा उनसे कि हमारे पति ने खास कर हमारे लिए बनवाया था, है ना?
गहना अंदर आओ बेटा। गहना बेटा हमें माफ कर दो बेटा, उर्वशी की वजह से बार बार तुम्हारे सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। आज फिर से उर्वशी की वजह से हमने तुम पे शक किया, तुम्हारी जिंदगी को उथल पुथल करके रख दिया। उर्वशी ने आज ठीक नहीं किया बेटा। आप इस तरह हमारे आगे हाथ मत छोड़िए, आप सब हमारे परिवार जैसे ही तो हैं ना, हम तो आप सबको अपना परिवार ही मानते हैं। और वैसे भी बड़ों का हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठता है, इस तरह छोटी मोटी बातों के लिए माफी मांगने के लिए नहीं। हमारे लिए तो आज सबसे बड़ी बात यही है कि आपको आपका ये कीमती हार वापस मिल गया। तुम्हारी यही मासूमियत, यही सादगी हम सबके दिलों पर छा गई है। हमेशा खुश रहो, हमेशा सुखी रहो बेटा। बेटा एक हार तो गायब हुआ ही है, अगर सुधा का नहीं तो फिर गहना का। लेकिन फिर हार गया कहां? ठीक लग तो रही हो, पर तुम्हें क्या लगता है तुम ठीक कर रही हो? गौरव देखो, हम तुम देखो अपने आप को गहना, अपने आप को देखो और इस पूरे परिवार को देखो, कितना गलत किया इस परिवार ने तुम्हारे साथ में। उर्वशी मैडम सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करती रही और पूरा परिवार खड़े खड़े देखता रहा, और अब भी तुम्हें इस घर के लिए नौकरानी बने रहना है? इतनी बदतमीजी की उन लोगों ने और तुम उनका घर साफ कर रही हो। गहना तुम्हें इस पूरे परिवार के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। पहली रिपोर्ट तो श्रेया भाभी के खिलाफ जिन्होंने चोरी की, और बाकी पूरे परिवार के खिलाफ मानहानि की रिपोर्ट लिखानी चाहिए तुम्हें। पर अगर तुमसे नहीं होगा ना तो सुनो हम जाकर लेकर करते हैं। गौरव बस, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। गौरव ये घर की बात है और जिसने चोरी की है वो श्रेया भाभी, और तुमने वो हार श्रेया भाभी से लेकर बड़ी मेम साहब को दे दी, हो गया ना? गौरव देखो ये एक परिवार की बात है और उनकी बात घर के अंदर ही रहे वो बेहतर है, बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। कहना अब ये परिवार तुम्हारे लिए तुम्हारे आत्मसम्मान से बढ़कर हो गया है। अरे वो लोग तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं और तुम उन लोगों को बचा रही हो। गौरव हमें तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी, और बस हो गया हमारा सम्मान और आत्मसम्मान भी हमारा, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और दूर रहो हमसे।
मेरी निशानी जीत गई है गौरव, और तुम अभी मैं क्या समझा रहे? तुम भी बताओ हम किससे लड़े, किस चीज के लिए कैसे लड़ ले? बाकी आखिरी निशानी नहीं संभाल पाए और गौरव हम तुमको कैसे समझाएं कि तुम हमें जिससे लड़ने के लिए कह रहे हो वो खुद हमारा परिवार है। क्या हुआ गहना, खुश नहीं हो कि हार मिल गया? हम खुश है कि उन्हें उन्हें अपना हार मिल गया, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी माँ की आखिरी निशानी हमारे हाथों से छूट गई। उसकी बात कर रही हैं आप? कैसे मिला? वादा किया था ना हमने आपसे कि आपके माँ की आखिरी निशानी को हम कुछ नहीं होने देंगे। जब बाहर वो ड्रामा चल रहा था तो हम मम्मी का खोया वो नेकलेस इसी के कमरे में मिला है। हमने कोई चोरी नहीं की। अच्छा तो अभी अभी तुम्हारे कमरे में जो नेकलेस मैंने देखा है वो वहाँ कैसे पहुँचा? हमें पता था उर्वशी को इस कमरे में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने ये सब क्यों किया? क्योंकि हमें आप पे भरोसा है। नहीं नहीं, आप हमें पूरी बात बताइए। जब आपने इसे छुपाया तब तक हमने नहीं बताया था आपको कि ये हमारी माँ की आखिरी निशानी। फिर क्यों क्यों आपने हमारी मदद की? ये हार जब हमारे कमरे में मिलता तो सबको यही लगता कि हमने ये चोरी की, लेकिन फिर भी आपने हमारा साथ दिया। और आपने उस वक्त हमारा साथ दिया जब हम सबकी नजरों में गुनहगार थे। हम मन चढ़ने उतरे आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम समझ गए मंच जी, आपने हमारा साथ इसीलिए दिया क्योंकि आप हमसे क्योंकि क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हमने ये सब इसीलिए किया क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं, हम कभी गलत का साथ नहीं देते कहना। फिर आपने हमारा साथ क्यों दिया? क्योंकि हम सच जानते हैं, वो सच जिसके कारण आपका इतना अपमान हो रहा है। अब सब कुछ सहती जा रही है चुपचाप। जब दुहार वाली बात पता चली तो हम समझ गए थे कि मैटर क्या है। गहना, हम जानते हैं कि महेंद्र जी आपके पिता हैं। वो हार उन्होंने आपकी मां के लिए बनवाया था। वो सोनार भी वही कह रहा था कि उस वक्त महेंद्र जी ने दो हार बनवाए थे। तो जब बाहर हार चोरी का ड्रामा चल रहा था हम चुपचाप आपके कमरे में आए, तकिए के नीचे से ये हार छुपा दिया, क्योंकि अगर ये हार मिल जाता सुधा जी को ऐसा लगता कि ये हार उनका है और आप पे लगाए सारे इल्जाम सच हो जाते। जी, आपको सारा सच पहले से पता था, फिर भी आपने हमसे कभी कुछ नहीं कहा। हमें पता तक नहीं चलने दिया आपने, बस हमारी हमारी मदद करते रह गए बिना मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के। गहना, इसमें हमारा मतलब भी था और स्वार्थ भी। क्या है ना, हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते वंश जी। ये तो सिर्फ कहने की बात है, भला कोई किसी अनजान की क्यों मदद करेगा, वो भी इस तरह से।
सरपंच जी आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता है, और अगर करता भी है तो जताता ज्यादा है। और आपने हमारी मदद की भी तो कैसे, हमें पता तक नहीं लगने दी। आप जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं वंच जी। वंच जी, ये तो सिर्फ कहने की बात है, भला कोई किसी अनजान की क्यों मदद करेगा, वो भी इस तरह से। वंच जी, आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता है, और अगर करता भी है तो जताता ज्यादा है। आपने हमारी मदद की भी तो कैसे, हमें पता तक नहीं लगने दिया। आप जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं वंच जी, आप बिल्कुल अलग हैं। हम आपको थैंक यू कैसे बोले, हम जितना भी आपका धन्यवाद करें या आपका शुक्रिया अदा करें, वो कम ही पड़ जाएगा। तो थैंक यू बोलना ही क्यों है, दोस्त होते इसीलिए, एक दूसरे के काम आने के लिए, एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, राइट? चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट। क्या छुपा रही हो गहना? जरा हमें भी बताओ कि वंश ने क्या मदद की है तुम्हारी, जो तुम दोनों अकेले में बात कर रहे थे इतनी रात को, वो भी तुम्हारे कमरे में। क्या तुमने कभी सोचा है गहना कि हमें कितनी तकलीफ होती होगी कि तुम्हारा बहुत सा सच जो हमसे छुपा हुआ है वो वंश को पता है, पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती है कि उसे सब कुछ पता चल गया, बल्कि तुम खुश हो। तुम उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर रही हो कि वो तुम्हारी जासूसी क्यों कर रहा था, तुम तो खुश हो गए ना। ठीक है, हमें भी बताओ, हमें बताओ कि तुम हमसे क्या छुपा रही हो। इसे अपनी आंख की आखिरी निशानी समझ कर अपने पास रख लो। हम जाकर भी तुम्हें नहीं बता सकते गौरव, क्योंकि महेंद्र साहब हमारे पिता तो है, लेकिन वो दुनिया के सामने हमें स्वीकार नहीं कर सकते। गौरव, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस। तुम बस छुपा रही हो गहना, और आज हमें जानना है कि तुम हमसे क्या छुपा रही हो। ऐसा क्या बदल गया है ना कि तुम्हारे बारे में लोगों को हमसे ज्यादा पता है? ऐसा क्या बदल गया कि हमारे करीब रहने से तुम्हें बेचैनी होने लगी है? ऐसा क्या बदल गया है ना कि तुम हमारी गिरफ्त से बाहर निकलना चाहती हो, हमारे मन से बाहर जाना चाहती हो? एक वक्त था गहना जब हमारा छूना, हमारे करीब होना तुम्हें पसंद था, जब हमें कोई भी तकलीफ होती थी तो सबसे पहले तुम हमारे पास में आती थी, तुम्हारी हर तकलीफ हर राज तुम हमें बताती थी। वो वक्त बदल गया है गहना। हाँ कौन, वो वक्त कल का है, वो बातें कल की, वो सच भी कल का है, लेकिन कल बीत चुका है, और आज जो है वो वही आज का सच है। वक्त और हालात दोनों ही बदल गए हैं गौरव। हालात नहीं बदले हैं गहना, तुम बदल गई हो, और बहुत बदल गई हो। गौरव, बदलने की बात तो तुम करो ही मत, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, आते थे हम तुम्हारे पास अपनी तकलीफें लेकर, लेकिन सब तुम क्या करते थे, तुम हमें अपने आप से दूर करते थे गौरव, और तुमने हमें अपने आप से इतना दूर किया कि अब
एक लक्ष्मण रेखा बन गई है हमारे बीच। हाँ गौरव, हम दोनों को इस लक्ष्मण रेखा को स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी समस्या क्या है? कि तुम ये मानना ही नहीं चाहते हो कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हारी एक पत्नी उर्वशी मेम सिंह, एक बच्चा है जिसके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां भी है। तुम तुम्हारी पत्नी नहीं है गौरव। अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हारा हम पर कोई हक नहीं है, और अगर तुम्हारा हक हम पर होगा तभी तुम हमें ये नहीं बता सकते कि हम किससे बात करें और किससे नहीं। ये हमारी जिंदगी है, तो फैसला भी हमारा ही होगा, मर्जी भी हमारी ही होगी गौरव। जो हमारा मन चाहेगा हम वो करेंगे। हमारी मर्जी हम किससे हमारी बातें, हमारी खुशियां, हमारी तकलीफें बांटें। और इसके लिए हमें तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता, हमारा प्यार कुछ मायने नहीं रखता? नहीं, कुछ मायने नहीं रखता। और बचपन में लिए साथ फेरे, वो शादी तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती? नहीं, कुछ मायने नहीं रखती। क्या गौरव, तंग आ चुके हैं हम बचपन की शादी सुन सुनकर। बचपन का गुड्डा गुड़िया सब टूट जाता है बचपन में ही, और उसके साथ साथ वो शादी भी गौरव। फिर हम दोनों क्यों इस बेमतलब की बचपन की शादी को ढो रहे हैं? गौरव, ये बचपन की शादी, ये प्यार हमारे पैरों की बेड़िया बन गया है। हम ना तो जी सकते और ना ही उड़ सकते। ये बचपन का प्यार, ये बचपन की शादी हमें उड़ने से रोक रहा है गौरव। गौरव, तुमने बिल्कुल सही कहा था। आज के जमाने में, आज के इस मॉडर्न जमाने में जज्बातों की कोई कीमत ही नहीं होती। फिर ये सब क्यों? ठीक है गैना, ठीक है। बचपन में लिए साथ फेरों के साथ जो हमारे रास्ते जुड़े थे, आज हम उन्हें खत्म करते हैं। ठीक है गैना। तो खाओ कसम कि आज के बाद हमारी कोई भी तकलीफ से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें चाहे जो परेशानी आए तुम अपने ऊपर नहीं लोगी। खाओ कसम। आज के बाद हमारा परिवार तुम्हारा नहीं होगा। हमारी कोई भी परेशानी तुम अपने ऊपर नहीं लोगी। खाओ कसम कहना कि आज के बाद हमें तन मन धन चाहे जो समस्या आए, हम एक दूसरे की मदद करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और ना ही एक दूसरे की मदद लेंगे।
खाओ कसम कि आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं होगा और हम एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगे कि यादें भी नहीं मिलेगी। खाओ कसम कि आज के बाद हमारी शादी का कोई भविष्य नहीं होगा, कोई अंश नहीं बचेगा। खाओ कसम कहना कि आज के बाद हम एक दूसरे के साथ की कामना नहीं करेंगे, एक दूसरे का ख्याल भी मन में नहीं लेकर आएंगे। खाओ कसम। अब आखिरी कसम खाओ और चैन की सांस लो। अब तुम हमसे पूरी तरह मुक्त हो गई हो कहना, पूरी तरह से। पूरी तरह से आजाद हो गए तुम। हो गया हमेशा हमेशा के लिए, तुमने हमारे रास्ते अलग कर दिए कुछ। अब कर जिंदगी में हम मरने की भी कगार पर आए ना तुम तो हमारे पास मत आना। अब तुम हमारे कुछ नहीं लगते। वाओ, इसे कहते हैं कि दिवाली अभी शुरू नहीं हुई लेकिन आतिशबाजी जरूर शुरू हो गई। ठीक है गहना, अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया तो। हमने नहीं गौरव, हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया। ठीक है कहना, ये फैसला तुमने उस वंश की वजह से किया है ना, वो तुम्हारे लिए हमसे ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि वो प्यार करता है तुमसे और तुमने भी उसकी दोस्ती मंजूर कर ली। अभी अभी कसम खाई है तुमने गौरव, भूल गए ना कि अब तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं। नहीं भूले हैं गहना, हम ये जानते हैं कि उस वंश से तुम्हारा वास्ता है। अब होगा भी क्यों नहीं, उसने तुम्हें इतनी बड़ी डिजाइनर बनाया और वो कुछ पैसा तुम्हें मिला है वो सर चढ़कर बोल रहा है तुम्हारे दिल की बात करता है वो तुमसे। बस गौरव, कहीं तुम भी तो उस... बस! बहुत हो गया, बहुत कह लिया हमने, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा धोखा, तुम्हारी बेवफाई। तुम हमारे चरित्र पर सवाल उठाओ ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे गौरव, और वो हक हमने तुम्हें कभी दिया ही नहीं। और वैसे भी अब बात खत्म हो चुकी है गौरव, इसलिए अब ना तुम हमसे कोई सवाल करोगे और ना ही हम तुम्हारे सवालों का कोई जवाब देंगे। लोकर, अब हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। फिर भी अलग,
गौरव और गहना ये दोनों मिलके गौना बनते हैं। अब कभी भी गौरव और गहना एक नहीं होगी, कभी भी नहीं होगा गौरव और गहना का गौना। हो गए हम मतलब हमेशा हमेशा के लिए। ये तुमने बहुत अच्छा किया गहना, और अब मेरा भी एक वादा सुन लो। आज तुमने गौरव को आजाद किया है ना, तो दिवाली के पहले मैं उसे अपना बना लूंगी, उसे अपने सात वचनों में बांध लूंगी मैं। हाँ, सब अलग। आज के बाद गौरव और गहना का ये घोटना भी मिट जाएगा गहना। मिट गया गौरव गहना और गौना। रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन दिल को कैसे अलग करोगी? भविष्य बदल सकता है गहना, लेकिन अतीत का क्या करोगी? कैसे भूल जाए तुम्हारी याद? हमारे अतीत में सिर्फ तुम हो, कैसे भूल जाए वो प्यार? नहीं भूले मत, ये कैसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने? अगर चौराहा होता तो हम चुन नहीं लेते, लेकिन ये आदत सिर्फ और सिर्फ इरादा है। हमने कभी नहीं सोचा था महादेव की जो रिश्ता हमारी जान से भी प्यारा है, उस रिश्ते को हम इस तरह अपने हाथों से तोड़ देंगे। क्यों महादेव, और कितनी परीक्षाएं लेंगे आप हमारी? कब हमें इस अंधेरों से छुटकारा मिलेगा?
अब हमारी जिंदगी में रोशनी की एक नई किरण आएगी। क्यों हमें कड़वे घूंट पी पी कर भी मुस्कुराना पड़ता है? नहीं होता अब से हम नहीं बचे हिम्मत हमें। जिंदगी में अब बस एक ही रिश्ता है जिसे हम सिर्फ अकेले में हम तक ले तो सकते। हमारा पिता से हमारा रिश्ता हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं माँ। हमने अपने पिता को जो वचन दिया है उसे निभाने का साहस दो, शक्ति दो हमें, इतना दृढ़ विश्वास दो कि हम कभी भी अपने वचन से पीछे ना हटे। चाहे कितनी भी अग्नि परीक्षाओं से हमें गुजरना क्यों ना पड़े। ये वही कंगन है जो हमारी मां ने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाए थे। समझ नहीं आता मां, क्या कमी है हमें? क्यों ये हमारे साथ ही होता है? जब हमें लगता है कि इन कंगन के लिए हमने अच्छे हाथ ढूंढ लिए, कुछ गड़बड़ हो जाती। पहले हम चांदनी से बिछड़ गए और अब गहना। उसने कहा है कि वो हमें हाँ नहीं कह सकती। हमारा मकसद इस घर में आने का कुछ और था, लेकिन लगता है कि प्यार नफरत पर भारी पड़ गया है। महेंद्र से अपना बदला हम भूले नहीं हैं, लेकिन कहना के लिए प्यार नफरत पर भारी पड़ गया। वंश, मां की याद आ रही थी क्या? वो कैसे पता? क्यों नहीं पता चलेगा, इतने प्यार से ये कंगन आपने हाथ में पकड़े हुए हैं। माँ के अलावा और किसके हो सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए, इन कंगनों के लिए कोई हाथ मिला? मिला तो है, लेकिन 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 की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई भी लड़की आपका साथ पाकर आपको अपनाकर भाग्यशाली समझेगी अपने आप को, और आपके साथ माँ का आशीर्वाद भी है। बल्कि आप हमें अपनी माँ जैसे समझ सकते हैं। आप जब से इस घर में आए हैं हम आपको बेटे जैसे ही समझते हैं। अच्छा कभी भी आपको अगर हमारी ज़रूरत महसूस हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। माँ तो नहीं हूँ आपकी, लेकिन माँ जैसी हूँ। हम खुद जाएंगे उस लड़की के पास रिश्ता लेकर। ठीक है, बस सही वक्त का इंतजार है। सही वक्त आते ही आपसे जरूर बात करूंगा। आज मैं बहुत खुश हूं कि गहना और गौरव हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। देखो ना गहना, आज मुझे फाइनली यहाँ आना ही पड़ा। ओह वाओ, हाथ चल गया तुम्हारा, तभी मैं सोचूं
कि मैं इतनी खुश क्यों थी आज? जानती हो गहना, मैंने सब कुछ देखा। तुम्हारे और गौरव के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो मैंने देखी भी और सुनी भी, और सच कहूं तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया जब तुमने गौरव को फ्री किया। लेकिन उससे भी ज्यादा मजा तब आया जब तुमने और गौरव ने उल्टे फेरे लिए। आई स्वेयर गहना, तुम दोनों की इस लड़ाई में ना मेरी उम्मीद फिर से बढ़ गई गौरव को पाने की। जानती हूँ, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हारे और गौरव के बीच की लड़ाई से बनने वाली खाई ना दिन दुगनी रात चौगनी और गहरी होती जाए। अब देखो, ये दिया जलाने में तुमने मेरी मदद की ना, तो मेरा एक और काम कर दो। करूंगी ना? भगवान से ये प्रार्थना करो कि तुम और गौरव कभी एक दूसरे के बन ना सको। भगवान से ये प्रार्थना करो कि तुम्हारे और गौरव के बीच में जो दूरियां हैं वो लक्ष्मण रेखा और भी बढ़ती चली जाए। भगवान से ये प्रार्थना करो कि गौरव तुम्हें ऐसे भूल जाए जैसे तुम उसकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। और भगवान से प्रार्थना करो, और मैं भी प्रार्थना करूंगी, कि गौरव के दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो नफरत में बदल जाए। कल से नवरात्रि है गहना, और मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, एक ही प्रार्थना है माता जी से, कि दिवाली खत्म होने से पहले गौरव को मैं पूरी तरह अपना बना लूं। जो आग हमने खुद ने लगाई उस आग के लगते अब हमें जला रही है। Here. मैं रख देता हूं। कुछ टेंशन है? अरे देखो, तुम अब टेंशन लो भी मत। क्या है ना, मेरी बहन बहुत बड़ी डिजाइनर है, तो तुम बस इमेजिन करो कि अगर तुम मेरी कही बात मानती, जो मैं कहता हूँ वो करती, तो बड़े बड़े ब्रांड्स की मॉडल तुम बनोगी। अरे तुम कायदे से सोचो ना, फ्रंट पेज की मॉडल तुम बनोगी, तुम्हारा चेहरा होगा क्रैश मैगजीन में, तो तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। एकदम रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ सेट है, बस मेरी बात मान लो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अपनी सिस्टर से कब मिला रहे हो? अरे मिला दूंगा, लेकिन उससे पहले उर्वशी के भाई से तो ढंग से मिल लो, उसके बाद उर्वशी से भी मिल लेना। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? देखो, इतना नाटक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में नहीं आता, जब एक लड़की ना बोल रही है तो ना का मतलब ना होता है। उसकी ना को हाँ में समझने की गलती कैसे कर ली तुमने रोनी? ना का मतलब ना होता है,
तुमको सब। जब एक लड़की मना कर रही है तो उसकी ना को स्वीकार करने की हिम्मत रखो। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, घर में माता रानी आने वाली है और तुम एक लड़की के साथ अन्याय करने पर तुले हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे इतने हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, आखिर तो है कौन हम? है कौन तुम जैसे हैवान से एक लड़की को बचाने के लिए हमारा कुछ होना जरूरी नहीं है। हम सिर्फ इंसान है, वही काफी है। तुम्हें शब्दों में समझ में नहीं आता रोनी, एक लड़की की ना समझ में नहीं आती तुम्हें? जब एक लड़की अपनी सीमाएं लांघती है अपनी इज्जत बचाने के लिए तो उसे माँ दुर्गा और माँ काली बनने में देर नहीं लगती है। तुम रोनी बस, अगर एक लड़की तुमसे काम मांगने आई है, एक मॉडल बनने आई है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे अपना शारीरिक शोषण करवाने आई है। उस लड़की का फायदा उठाने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है रोनी। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है ये बातें? तू बस एक नौकरानी है और तेरी औकात तुझे आज दिखाता हूँ मैं। हट। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने कहना को धक्का दिया? कहना को धक्का कैसे दिया बोल? तू होता कौन है पूछने वाला? और मैं तुझे जवाब क्यों? वो भी इस नौकरानी के लिए? इस नौकरानी के लिए तू अपनी औकात भूल गया? दो टके का ड्राइवर है तो ड्राइवर, और मुझ पर हाथ उठा रहा है? ड्राइवर थे हम, अब इस घर के दामाद हैं, और हम बड़े हैं तुमसे, कद में भी और पद में भी, और हमें अधिकार है तुम्हारे हर टेढ़े काम को सीधा करने का। तुमने कहना को धक्का क्यों दिया? अरे सही कह रही थी वो तुम्हें। अब तुम बताओगे मुझे क्या सही है और क्या गलत है? और मैं इस नौकरानी के साथ कुछ भी करूं तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? आखिर ये लगती क्या है ये तुम्हारी? थोड़ा ही याराना लगता है तुम्हारा। तूने शादी की मेरी बहन के साथ और अय्याशी कर रहा है इस नौकरानी के साथ। तुझे तेरे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, और मैंने इस लड़की को थोड़ा छू क्या लिया, थोड़े मजे क्या ले लिए, तू मेरे सामने ज्ञान देने आ गया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? गौरव, तेरी तो रोनी, गौरव, गौरव, साहब जी, गौरव, रोनी, क्या कर रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को, रोनी, रोनी, हटो, रुक जाओ, एक शब्द मत बोलना। ये सब हमारे लाड़ प्यार का नतीजा है। उधर जाओ, वरना तुम्हें तुम्हारा ये व्यवहार बहुत महंगा पड़ेगा। चुप, एक शब्द मत बोलना। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो इतना समझ लो, हमारी जायदाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। रोनी, मैंने सोचा था कि तुम जिंदगी में कुछ बड़ा काम करोगे, ऐसा काम करोगे कि हमारा सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा। लगता है हमारा ये सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। माफी मांगो गहना से, गौरव से, और इस लड़की से जिससे तुम बदतमीजी कर रहे थे। माफी मांगो। सॉरी। थैंक यू गहना, अगर तुम सही समय पर मुझे नहीं बुलाती तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू गौरव, हमारे बेटे की ओर से हम माफी मांगते हैं। इस लड़की को सही सलामत इसके घर तक छोड़ देना। थैंक यू, थैंक यू। कसम गहना कि आज के बाद हमें धन मन धन चाहे चाहे जो समस्या आए,
हम एक दूसरे की मदद करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं और ना ही एक दूसरे की मदद लेंगे। नहीं, हमारे रास्ते अलग हैं तो हमारा दर्द भी अलग है और हमारी तकलीफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ गौरव, तुम सही कह रहे हो, इसलिए बात ये तुम भी याद रखना, तुम भी हमारी कोई मदद मत करना क्योंकि अब हमें भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं होगी। संभाल लेंगे हम खुद को, हमारी लड़ाइयां हमें लड़ने दो। ये तुम्हारा परिवार है इसलिए तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में पहले सोचना चाहिए। ये तुम्हारे रिश्ते हैं, कोई रिश्ता नहीं बचा है अब हमारा तुम्हारे साथ। हम दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं गौरव, हमेशा हमेशा के लिए। गौरव और गहना का साथ यहीं तक था। समझ नहीं आता आप लोगों का खोल कैसे नहीं खोलता। खून पूरा खोल के सूख चुका है और तेरा ये भाई है ना बहुत कुछ सीख चुका है और तू भी सीख ले। समझ में आ रहा है? अपने ऊपर काबू रखना सीख। आज सब लोग मेरी बेइज्जती करते रह गए और मैं बस अपने गुस्से को संभालते रह गए। वो दो कौड़ी का ड्राइवर रातों रात उर्वशी दीदी से शादी करके इस घर का मालिक बन बैठा है। मुझसे कहता है कि मुझसे कद में और पद में दोनों में बड़ा है लेकिन मुझे उसे अपना बड़ा भाई मानने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास पहले से बड़ा भाई, उस गौरव ने हम पर हाथ उठाया, उस ड्राइवर ने, और मेरे पापा को भी अपने साइड कर लिया। और आप लोग देख लेना एक दिन वो ड्राइवर हमारा मालिक बन के बैठेगा और हम पर राज करेगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ भी होने ही नहीं दूंगा। मैं इसे रास्ते से हटा कर रहूंगा, से इसकी औकात निकाल कर रहूंगा। ना रहेगा गौरव, ना बजेगा उसके नाम का डंका, ये सब हमारा होगा। तू फिक्र मत कर, हम है ना सब संभाल लेंगे और जो उसने हमसे छीना है ना उसका एक एक पैसा हम पूरा वसूल करेंगे, पूरे इंटरेस्ट के साथ। Cheers! माता रानी की पूजा तो ढंग से कर लिया करो, चुनरी एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से उड़ाई जाती है, शहर की ज्यादा ही हवा लग गई तुम्हें।
हमें माफ कर देना, वो हमारा ध्यान नहीं था, वो गलती से। हम अभी साफ करते थे, एक मिनट एक मिनट। क्या कहना, जो होना था वो हो गया, कर दिया तुमने। चीजें बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता। बिगड़ी हुई चीजों को जितना सुधारने की कोशिश करते हैं ना, वो और बिगड़ती जाती है। तुम वैसे ही बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हो, अब सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।